क्या आउटफिट है? मुझे सीक्रेट पता है। मुझे एक बड़ा सीक्रेट पता है। ये एक अच्छा सीक्रेट है। वो एक बढ़िया सीक्रेट है। सामी। तुम्हें मेरा सीक्रेट नहीं पता है। ओह सामी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे उस सीक्रेट के बारे में बताओ। हे भगवान, ये बहुत सुंदर है। मैंने कहा था। पता है, हमें इस खूबसूरती को संभालने के लिए कुछ खास बनाना होगा। चलो। दोस्तों, आप सीक्रेट जानना चाहोगी? ये रहा वो। हाय दोस्तों, सामी की खरीदी हुई ये नई स्टेशनरी देखो, ये बढ़िया है ना? और आज हम इन्हें संभालने के लिए एक कूल ऑर्गेनाइजर बनाएंगे। ठीक है मिस्टर उतावले, हम समझ गए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अभी तक काम पर क्यों नहीं लगे? आज हमें बहुत सारे कार्डबोर्ड की जरूरत होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजर कुछ खास हो। तो इस बार मैंने इसे एक अलग शेप देने की सोची है, कोई शार्प एंगल्स नहीं। आहा। और हमें मिला सच में ये बढ़िया है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। सामी, अब चलो इसे काटते हैं। पर पहले हमेशा की तरह दोस्तों, कटर के साथ संभल कर आपको लाइंस के साथ साथ ही काटना है। सब कुछ सफाई से हो उसके लिए आप अपने बड़ों की भी मदद ले सकते हैं। क्योंकि तुमने ऑर्गेनाइजर की शेप सोची थी, तो क्या कलर्स मैं चुन सकता हूँ? बिल्कुल सामी, मैं सुन रही हूँ। अच्छा होगा कि तुम देखो, पिबड़ी बॉबड़ी सब्सक्राइबड़ी। अच्छी ट्रिक थी सामी, और मुझे तुम्हारे कलर की चॉइस पसंद आई। ठीक है, हमें अलग स्टेप के लिए एक माहिर हाथ चाहिए, क्योंकि हम इसके किनारों को ब्लैक मार्कर से मार्क करने वाले हैं। इस तरह से ये बिल्कुल अपने वीडियो गेम वाले लुक की तरह लगेगा। बिल्कुल। और हमें यहाँ एक और लाइन चाहिए। हाँ, इस तरह। दोस्तों, जब आप नहीं देख रहे थे तो मैंने एक ब्लैक साइड वॉल बना दी। और तुमने काफी अच्छा किया। याद रखना कि इस पीस के किनारे ब्लैक नहीं होंगे। ठीक है, और अब आता है आज का सबसे जरूरी पार्ट। दोस्तों, कटर के साथ संभल कर दोस्तों, इन्हें इक्वल हाफ्स में काटने के लिए आपको इन दोनों को अच्छे से पकड़ना होगा। और तुम ड्रामा क्वीन की तरह नाटक कर रहे हो सामी। हम अभी भी इन दोनों हाफ्स को साथ में रखना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो देखते रहे दोस्तों। एक और कट और हो गया। बढ़िया। हे सुजी, मैं अपनी नई स्टेशनरी चेक कर रहा था, देखना चाहोगी मैंने क्या बनाया? मुझे यही चाहिए था। और रुको, मैंने तो पीस पेंट कर लिया है। माफ करना सामी, तो तुम क्या कह रहे थे? देखो मैंने क्या बनाया, ये हमारे क्राफ्ट का डिजाइन हो सकता है। ये तो अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम जाकर सजावट करो। तब तक व्यूअर्स और मैं यहाँ का काम खत्म कर लेते हैं। अपनी उंगलियाँ संभाल कर दोस्तों, ग्लू गन की ग्लू बहुत गर्म है। अब हमें ध्यान से इस कार्डबोर्ड स्ट्रिप को यहाँ लगाना होगा। हो गया। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, तो आपके ऑर्गेनाइजर की वे आपकी स्ट्रिप की विड्थ पर डिपेंड करती है। सजावट का क्या? ठीक है। कोशिश करो कि ज्यादा ग्लू इस्तेमाल ना हो, ताकि सब कुछ साफ लगे ऐसे। और अगर हम यहाँ फ्रंट पीस लगा दें, तो हमें हमारे ऑर्गेनाइजर का ऊपर का आधा हिस्सा मिल जाएगा। वाह, ये काफी जल्दी और आसानी से हो गया। ऐसा मत कहो। ठीक है दोस्तों, हमारे क्राफ्ट का निचला हिस्सा भी ऐसे ही बनेगा, तो चलो स्पीड बढ़ाओ। और ये हो गया। ये कॉरगेटेड कार्डबोर्ड का छोटा सा पीस दोनों हाफ्स को जोड़ कर रखेगा। हमें बस सुजी, ये क्राफ्ट मास्टर को करने दो। ठीक है। ये।
और मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, हम मास्क के बारे में तो भूल ही गए थे। हर अमंग अस के क्रूमेट के पास मास्क होना चाहिए। लगता है कोई थोड़ी सजावट करने को तैयार है। और फाइनल टच, ब्लैक फोम पेपर की पतली सी स्ट्रिप इस मास्क को असल बनाएगी। सामी, जल्दी करो, हमारे ऑर्गेनाइजर को लाओ। यम 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 यम। ओ, मुझे इसे भरने का इंतजार नहीं हो रहा। बस थोड़ी देर और सामी, ये एग डेकोर तो शानदार लग रही है। अब चलो इसे खोलते हैं। वो सामी, ये तुमने कब किया? ये मेरी क्रिएटिविटी है सिव, ये बुरा नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो, हमने यहाँ कमाल का काम किया है। आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों, तो इस ऑर्गेनाइजर को बहुत सारे लाइक्स देकर सपोर्ट करें। हमारे पास अभी भी कुछ स्टेशनरी आइटम्स बचे हैं, पर इस क्रूमेट के अंदर उनके लिए जगह नहीं है। खैर, फिर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। हम एक और अमंग अस स्टेशनरी केस बना सकते हैं। कहीं मत जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको सारे स्टेप्स याद है, हम उन्हें जल्दी से दोहराएंगे। फिर हम इसे पेंट करेंगे। ग्रीन मुझे पसंद है। और अब हम किनारों पर ब्लैक मार्क बनाएंगे। हो गया। अब हमें दोनों पीसेस को आधा काटना होगा। मैं सोच रहा था क्यों ना इस बार हम इस ऑर्गेनाइजर में कुछ सेक्शंस बनाएं, ताकि हम उसमें कुछ छोटा सामान भी रख सकें। ये एक अच्छा आइडिया है सामी, और अच्छा है कि तुमने मुझे इस बारे में अभी ही बता दिया। बस मैं ये पीस पूरा कर लूं, पर देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। ये हो गया। हॉप, बहुत सारे टर्न्स की वजह से इस पीस को इस जगह लगाना काफी मुश्किल है दोस्तों। तुम कर सकती हो सुजी, चलो एकदम बेस्ट हो। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलो देखते हैं। एक छोटी पॉकेट जैसे क्लिप्स रखने के लिए कार्डबोर्ड का एक पीस हम यहाँ चिपका सकते हैं, और हम इस जगह को भी दो अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं। हाँ, मुझे पसंद आया। चलो सुजी। बस हॉट ग्लू के साथ बहुत संभल कर दोस्तों इसे लगाते हैं। थोड़ा प्रेस करो और दूसरा वाला। बढ़िया। हे सामी, क्या तुम्हारे पास इस ऑर्गेनाइजर का ऊपर का हिस्सा पूरा करने के लिए समय है? चलो चलो, ऑप्सी, पूरी किस्मत में एक सेकंड में कर देता हूँ, बस थोड़ी जगह दो। शुक्रिया महान सामी। अब बस हमें अपने क्राफ्ट को जोड़ना है। चलो बस थोड़ा सा प्रेशर। बढ़िया, और ये आ गई बोन। सुजी, क्या मैंने सब ठीक किया? चलो देखते हैं। तुमने काफी अच्छा किया सामी, बहुत बढ़िया। और सजावट का क्या, क्या इस ऑर्गेनाइजर में कुछ खास है? ओह हे, ये देखो, मेरे ख्याल से ये स्टार हमारे ग्रीन क्रूमेट के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सोल्जर्स, क्या तुम तैयार हो? चलो चले। जनरल सुजी, सब अपनी जगह पर है। शुक्रिया दोस्तों, जरा ये देखो, सब कुछ इसमें है, पेंस, पेंसिल्स और छोटे क्लिप्स भी। शानदार, क्या आप हमारे आज के दोनों ऑर्गेनाइजर्स देखना चाहेंगे? तो चलो। बिल्कुल सामी। हो, ये देखो, वैसे तुम क्या बना रहे हो? बस मुझे एक सेकंड दो और तुम देखना। अब तुम देख सकते हो सिव। ठीक है। ये क्या है, इतने सारे अलग अलग स्लाइम्स? सिर्फ स्लाइम्स ही नहीं सुजी, ये अमंग अस स्लाइम्स हैं। और मेरा विश्वास करो, इनमें से एक इंपोस्टर है। पर पता है क्या, ये सीक्रेट है। कौन सा वाला?
दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारे ऑर्गेनाइजर्स पसंद आए तो हमें लाइक करें, और अगर आप ये क्राफ्ट बनाने की सोच रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है, मैं सुजी को नहीं बताऊंगा। मैं जाकर पता लगाती हूँ। बाय बाय।